मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड हिंदी के गद्य सेक्शन के अंतर्गत। ये क्लास 11th का वीडियो है और इसका शीर्षक है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। ये राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया एक निबंध है जिसमें घुमक्कड़ी को यानी घूमने को यथार्थ ज्ञान का यानी वास्तविक ज्ञान का एक स्रोत माना गया है। और साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि एक अगर निपट धर्म की बात की जाए तो घुमक्कड़ी एक निपट धर्म है। कहने का अर्थ एक वास्तविक धर्म के रूप में स्वीकार किया गया, अर्थात जो भी साधु संत योगी यति हुए हैं उन्होंने अपने ज्ञान वर्धन में घुमक्कड़ी को अर्थात घूमने को यात्रा को एक मुख्य आधार माना है। तो चलिए इसको देखते हैं, राहुल सांकृत्यायन जी का लिखा हुआ ये निबंध अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। चलिए शुरू करते हैं। घुमक्कड़ी को यथार्थ ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना गया है। ऐतिहासिक वैज्ञानिक एवं धार्मिक प्रमाणों से घुमक्कड़ी की प्रमाणिकता स्वतः सिद्ध है, यानी इतिहास से भी पता चलता है, वैज्ञानिक तथ्यों से भी पता चलता है और धार्मिक प्रमाण भी इसको प्रमाणित करते हैं कि घुमक्कड़ी यानी घूमना अपने आप में एक प्रमाणिक है, स्वयं सिद्ध बात है और ज्ञान का मुख्य स्रोत है। सृष्टि सर्जन के लिए ब्रह्मा को भी घुमक्कड़ी करनी पड़ी, ऐसा लेखक का विचार है। और लेखक यहाँ तक कि इसमें सोचते हैं कि जो रचनाकार हैं ब्रह्मा जी, उनको भी सृष्टि रचना के लिए पहले घूमना ही पड़ा, ऐसा लेखक का विचार मात्र है। घुमक्कड़ी का द्वार सबके लिए समान रूप से खुला रहता है, इसमें आने वाली बाधाओं एवं परेशानियों को नगण्य माना गया है। अब इसमें जो भी बाधाएं और परेशानियां आती हैं उसको नगण्य माना गया है, यानी घुमक्कड़ी में इतना आनंद होता है कि जो बाधाएं और परेशानियां इसमें आती हैं उसको कुछ नहीं समझा जाता। घुमक्कड़ी का विरोध करने वाले माता पिता, बंधु बांधव यानी भाई बहन, रिश्तेदार वगैरह, सगे संबंधी आदि सभी दिवा स्वप्न के कारण विरोध करते हैं। था दिवा स्वप्न, वे दिन में ही स्वप्न देखते हैं यानी इसको पूरी तरह समझते नहीं, इसलिए घुमक्कड़ी का जो हमारे रिश्तेदार होते हैं माता पिता बंधु बांधव भाई वगैरह सगे संबंधी सब इसलिए विरोध करते हैं। घुमक्कड़ी को नकद धर्म कहा जाता है, यानी नकद धर्म कहने का मतलब है कैश रिलीजियन। तो चलिए अब शुरू करते हैं अध्याय से। तो संस्कृत से ग्रंथ को शुरू करने के लिए पाठकों को रोष नहीं होना चाहिए, आखिर हम शास्त्र लिखने जा रहे हैं, फिर शास्त्र की परिपाटी को मानना ही पड़ेगा। अब लेखक कहते हैं यदि संस्कृत से ग्रंथ को शुरू करें तो इसमें जो पाठक हैं यानी जो इसको पढ़ रहे उसमें वे रोष ना करें, क्रोध ना दिखाए, क्योंकि हम शास्त्र लिखने जा रहे हैं और शास्त्र लिखने के लिए शास्त्र की परिपाटी को समझना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, यानी जो भी आवश्यक उसका पाठ्यक्रम है उसको भी जानना पड़ेगा, यानी जो भी प्रारंभिक चीजें हैं उसको समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। शास्त्रों में जिज्ञासा ऐसी चीज के लिए होनी बताई गई है जो कि श्रेष्ठ तथा व्यक्ति और समाज के लिए परम हितकारी हो। जिज्ञासा माने तीव्र इच्छा, यानी शास्त्रों में तीव्र इच्छा जिज्ञासा को ये बताया गया है कि ये व्यक्ति और समाज के लिए परम हितकारी है माने कल्याणकारी है। व्यास ने अपने शास्त्र में ब्रह्मा को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसे जिज्ञासा का विषय बनाया। ब्रह्मा माने ईश्वर रचनाकार, और वेद व्यास जी ने शास्त्रों में ब्रह्मा जी को सर्वश्रेष्ठ मानकर उन्हें जिज्ञासा का विषय बताया, अर्थात जानने योग्य बताया। व्यास शिष्य जैमिनी ने धर्म को श्रेष्ठ माना। अब व्यास के एक शिष्य थे जैमिनी, इन्होंने धर्म को श्रेष्ठ माना। पुराने ऋषियों से मतभेद रखना हमारे लिए पाप की वस्तु नहीं है, आखिर 6 शास्त्रों के रचयिता 6 आस्तिक ऋषियों में भी आधो ने ब्रह्मा को धता बता दी है। यानी अब लेखक यहां ये कहना चाहते हैं कि पुराने ऋषियों से मतभेद रखना अर्थात उनकी बात को ना मानना कोई बुरी बात नहीं है, पाप की वस्तु नहीं है, आखिर 6 शास्त्रों के रचयिता 6 शास्त्रों के रचयिता 6 आस्तिक ऋषियों ने। अब 6 शास्त्र कौन कौन से? मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख और योग, ये 6 शास्त्र हैं। और इनके जो रचयिता हैं, इनको रचने वाले हैं,
वे ऋषि मैं भी आधों ने ब्रह्मा को धता बता दिया, अर्थात कुछ भी नहीं समझा, नगण्य समझा। मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ी से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता। अब लेखक ये कहते हैं, लेकिन मेरी समझ की अगर बात की जाए, जहां तक कि मेरा सोचना है, तो जो घुमक्कड़ी है, सैर करना है, उससे बढ़कर व्यक्ति और समाज के लिए कोई अन्य चीज लाभदायक नहीं, हितकारी नहीं, कल्याणकारी नहीं। कहा जाता है ब्रह्मा को सृष्टि करने के लिए ना प्रत्यक्ष प्रमाण सहायक हो सकता है ना अनुमान ही। हाँ, दुनिया के धारण की बात तो निश्चय ही ना ब्रह्मा के ऊपर है, ना विष्णु और ना शंकर ही के ऊपर। दुनिया दुख में हो चाहे सुख में, सभी समय यदि सहारा पाती है तो घुमक्कड़ी की ही ओर से। अब लेखक यहां कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा को सृष्टि करने के लिए ना प्रत्यक्ष प्रमाण सहायक हो सकता है ना अनुमान ही। यानी अगर ब्रह्मा जी कुछ रचना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण सहायक नहीं हो सकते। यानी कुछ उनके लिए पहले रचा हुआ तो है नहीं कि जो उसकी उनकी रचना में सहायक हो सके, और ना ही कोई ऐसा अनुमान जिसके आधार पर वो रचना कर सके, तो ये सहायक वस्तु नहीं हो सकती। हाँ, दुनिया के धारण की बात अगर की जाए, यानी दुनिया को धारण करने की अगर बात की जाए, तो आगे लेखक कहते हैं निश्चय ही दुनिया को संभालने की जो बात है ना ही ब्रह्मा के ऊपर है, ना विष्णु ना शंकर ही के ऊपर। दुनिया दुख में हो चाहे सुख में, सभी समय यदि सहारा पाती है तो घुमक्कड़ों की ही ओर से। अर्थात दुनिया को सहारा घुमक्कड़ों ने दिया। अब घुमक्कड़ यानी योगी यति, वे जो भ्रमण करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक आदिम, अब घुमक्कड़ का अर्थ है जो घूमने वाला हो, जो भ्रमण करने वाला हो। तो योगी यति वगैरह जो साधु संन्यासी हुए, भी अधिक घुमक्कड़ हुए। प्राकृतिक आदिम मनुष्य, मनुष्य परम घुमक्कड़ था। अब लेखक यहाँ प्राचीन मनुष्य की बात करते हैं, जो प्राचीन आदिम मनुष्य था, यानी आदि मानव था, प्रारंभ का मनुष्य था, वो परम घुमक्कड़ था, घूमता था। खेती बागवानी तथा घर द्वार से मुक्त वह आकाश के पक्षियों की भांति सदा पृथ्वी पर विचरण करता था। जाड़े में यदि इस जगह था तो गर्मियों में वहां से 200 कोस दूर। यानी जो पुराना मनुष्य था वो खेती बागवानी घर द्वार से मुक्त, यानी इन सब चीजों को नहीं करना, तो खेती उसके पास थी ना, बागवानी बाग लगाना जानता था, और घर द्वार तो थे ही नहीं, तो इनसे भी मुक्त था। वह आकाश में से पक्षी विचरण करते हैं, वैसे ही वो पृथ्वी पर घूमता था, विचरण करता था। जाड़े में अगर एक जगह होता था तो सर्दियों में और कहीं 100-200 कोस दूर होता था। अब लेखक आगे कहते हैं कि आधुनिक काल में घुमक्कड़ों के काम की बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों ने घुमक्कड़ों की कृतियों को चुरा के उन्हें गला फाड़ फाड़ कर अपने नाम से प्रकाशित किया। अब लेखक कहते हैं आधुनिक काल में, यानी जो वर्तमान समय चल रहा है, उसमें घुमक्कड़ों के काम की बात कहने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों ने घुमक्कड़ों की कृतियों को चुरा के उन्हें गला फाड़ फाड़ कर, यानी चिल्ला चिल्ला के अपने नाम से प्रकाशित किया। यानी जो घुमक्कड़, जो घूमने फिरने वाले लोग अपने अनुभव के आधार पर जो भी लिख गए अपनी किताबों में, वो अन्य लोगों ने अपने नाम से छाप दिया और कह दिया कि ये उनकी रचना है। आधुनिक समय में ऐसा है तो उनके लिए बात करना यहाँ आवश्यक है, जिससे दुनिया जानने लगी कि वस्तुतः तेली के कोल्हू के बैल ही दुनिया में सब कुछ करते हैं। और जिससे दुनिया ये जान लगी जो तेली के कोल्हू के बैल हैं, वे ही सब कुछ करते हैं। यानी कोल्हू कुछ नहीं करता, बैल ही सब कुछ करते हैं, ये अर्थ निकला फिर वहां से। आधुनिक विज्ञान में चार्ल्स डार्विन का स्थान बहुत ऊंचा है। अब लेखक कहते हैं चार्ल्स डार्विन जो उत्परिवर्तनवाद के जनक थे, उनका स्थान अपने आप में एक विशेष है। आधुनिक विज्ञान में अगर देखा जाए, उसने प्राणियों के उत्पत्ति और मानव वंश के विकास पर ही अद्वितीय खोज की। डार्विन ने प्राणियों की उत्पत्ति और मानव वंश का विकास कैसे हुआ, उस पर खोज की थी। बल्कि कहना चाहिए कि सभी विज्ञानों को डार्विन ने प्रकाश में दिशा बदल डार्विन के प्रकाश में दिशा बदलनी पड़ी। अर्थात जो राह डार्विन चला गए, उसी हिसाब से अन्य वैज्ञानिक उसी प्रकाश में बढ़े जो प्रकाश वो दिखा गए। लेकिन
क्या डार्विन अपने महान आविष्कारों को कर सकता था यदि उसने घुमक्कड़ी का व्रत ना लिया होता। अब यहाँ लेखक घुमक्कड़ी यानी घूमने को महत्व प्रदान करते हुए कहते हैं कि डार्विन ने जो भी खोजे की जो भी आविष्कार किया वो घुमक्कड़ी का ही एक परिणाम था। घुमक्कड़ी के कारण ही डार्विन ऐसा कर सके। आगे देखें, मैं मानता हूं पुस्तकें भी कुछ कुछ घुमक्कड़ी का रस प्रदान करती हैं, लेकिन जिस तरह फोटो देखकर आप हिमालय के देवदार के गहन वनों और श्वेत हिम मुकुटित शिखरों के सौंदर्य, उनके रूप, उनकी गंध का अनुमान अनुभव नहीं कर सकते, उसी तरह यात्रा कथाओं से आपको उस बूंद से भेंट नहीं हो सकती जो एक घुमक्कड़ को प्राप्त होती है। अब लेखक यहाँ के कहते हैं कि अगर हम घुमक्कड़ी का वास्तविक आनंद लेना चाहते हैं तो हम किताबों में पढ़ के नहीं ले सकते कि हम किसी चित्र को देख लें, उस चित्र में जो जो है देवदार के वृक्ष अगर कहीं लगे हैं और गहन वन है देवदार के और श्वेत हिम मुकुटित शिखर यानी बर्फ से ढके हुए जो बर्फ के मुकुट धारण करे हुए जो शिखर हैं पर्वतों के, उनके सौंदर्य, उनके रूप और उनसे उठने वाली गंध का अनुभव केवल किताबों में पढ़ के नहीं कर सकते, क्योंकि वास्तविक जो आनंद मिलता है वो घुमक्कड़ी से ही मिलता है। यानी यात्रा कथाओं से जो बूंद रूपी जो रस है, आनंद है, वो आनंद नहीं मिल सकता। वास्तविक आनंद जो घूमने से मिलता है, घुमक्कड़ी से मिलता है। अधिक से अधिक यात्रा पाठकों के लिए यही कहा जा सकता है कि दूसरे धंधों की अपेक्षा उन्हें थोड़ा आलोक मिल जाता है। अब यहाँ लेखक ये कहते हैं कि हाँ, मान लिया उनके पास समय नहीं, अगर वे अन्य कार्य करते हैं और भी यात्रा वृत्तांत वगैरह पढ़ते भी हैं, वे पाठक जिनके पास समय नहीं या वे जो अन्य कार्यों में उलझे हैं, दूसरे धंधों में उलझे, तो फिर उन्हें इन किताबों से कुछ आनंद तो मिल ही सकता है, कुछ थोड़ा बहुत आलोक माने प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश मिल सकता है और साथ ही ऐसी प्रेरणा भी मिल सकती है जो स्थायी नहीं तो कुछ दिनों के लिए तो उन्हें घुमक्कड़ बना ही सकती है। अब लेखक कहते हैं कि माना इन किताबों से यात्रा के बारे में या किसी भी जगह के बारे में हम पढ़ के थोड़ा बहुत आनंद तो पा सकते हैं कि जो कुछ नहीं से कुछ अच्छा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इस प्रकार से है। तो लेखक कहते हैं कि इससे फिर जो पाठक होते हैं उसको घुमक्कड़ी किताबों को पढ़ने से थोड़ा बहुत प्रेरणा भी मिलती है जो कुछ दिनों के लिए होती है और उन्हें कुछ दिनों के लिए एक मानसिक घुमक्कड़ बना देती है। आगे देखें, घुमक्कड़ क्यों दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति है यानी महान पुरुष है। यानी लेखक पूछते हैं कि घुमक्कड़ क्यों यानी घूमने वाला क्यों दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति है। विभूति कहा है लेखक ने यहां, इसलिए कि उसी ने आज की दुनिया को बनाया है। यदि आदिम पुरुष एक जगह नदी या तालाब के किनारे गर्म मुल्क में पड़े रहते, मुल्क माने इलाका, कि नदी के एक जगह नदी या तालाब के किनारे गर्म मुल्क यानी क्षेत्र में पड़े रहते तो वह दुनिया को आगे नहीं ले जा सकते थे। अब यहाँ लेखक बहुत बड़ी बात करते हैं कि घुमक्कड़ को एक विभूति बताते हैं और साथ ही साथ ये बताते हैं कि जो ये दुनिया है ना, वो दुनिया, ये सृष्टि उसी ने बनाई है। क्यों? क्योंकि यदि आदिम मनुष्य, आदिम पुरुष यानी प्राचीन मानव यदि एक ही जगह पड़ा रहता, वो पूरी पृथ्वी में विचरण ना करता, ना घूमता, तो शायद दुनिया आगे नहीं जा सकती थी। आदमी की घुमक्कड़ी ने बहुत बार खून की नदियां बहाई हैं, इसमें संदेह नहीं, और घुमक्कड़ों से हम हरगिज नहीं चाहेंगे कि वे खून के रास्तों को पकड़ें, किंतु घुमक्कड़ों के काफिले ना आते जाते तो सुस्त मानव जातियां सो जाती और पशु से ऊपर नहीं उठ पाती। अब लेखक यहाँ बहुत बड़ी बात कहते हैं और ये कहते हैं कि घुमक्कड़ी ने माना कि घुमक्कड़ी करने वालों ने बहुत खून की नदियां बहाई, लेकिन अगर वे ऐसा ना करते तो जो सुस्त मनुष्य वो वहीं का वहीं रह जाता, विकास ना कर पाता, क्योंकि घुमक्कड़ी के जो काफले आए उनसे युद्ध होते रहे, एक जगह के लोगों के दूसरी जगह के लोगों से, और इस युद्ध ने उनको और आगे और श्रेष्ठ होने के लिए प्रेरित किया। और यदि ऐसा ना होता, ये घुमक्कड़ी ना होती, तो निश्चय ही मनुष्य पशु से ऊपर ना उठ पाता, पशु की तरह ही रहता। किस तरह प्रशस्त किया इसे इतिहास में हम उतना स्पष्ट वर्णन नहीं पाते, किंतु मंगोल घुमक्कड़ों की करामातों को हम अच्छी तरह जानते हैं। अब जो मंगोली आक्रमण हुए भारत पर,
लेखक उनकी बात कर रहा है कि हालांकि हम इतिहास में तो उतना स्पष्ट वर्णन नहीं पाते इस चीज को कि कैसे घुमक्कड़ों ने विकास के मार्ग को प्रशस्त किया, कि मनुष्य सभ्यता कैसे घुमक्कड़ी के माध्यम से, घुमक्कड़ों से जो तमाम तरह घुमक्कड़ आए भारत में या पृथ्वी के कोने से दूसरे कोने, तो वहां जो विकास हुआ उनके कारण। हालांकि इसका इतिहास में तो कोई स्पष्ट वर्णन नहीं, किंतु जो मंगोल घुमक्कड़ आए उनकी करामात यानी करतूतें उनके कारनामे को हम अच्छी तरह जानते हैं। बारूद, तोप, कागज, छापा खाना, दिग्दर्शक माने दिशाओं को दिखाने वाला, यानी हम ये समझ सकते हैं कि नक्शा वगैरह, चश्मा, यही चीजें थी जिसमें चश्मा आदि चीजें, ये यही सब चीजें थी जिन्होंने पश्चिम में विज्ञान युग का आरंभ कराया। यानी जब ये तमाम तरह घुमक्कड़ आने की वजह से एक जगह दूसरी जगह लोग जब पहुंचते हैं तो अपने सामानों के साथ पहुंचते, यानी जो उनके यहाँ विशेष होता है वो दूसरी जगह ले जाके पहुंचते, फिर वहां वो प्रसिद्धि का कारण बन जाते वो वस्तुएं। तो इस प्रकार से विकास के लिए मनुष्य दूसरों की श्रेष्ठ चीजों को देखकर प्रेरित होता है और इससे खोज भी होती है। और इन चीजों को वहां ले जाने वाले मंगोल घुमक्कड़ थे, यानी जो बारूद, तोप, कागज, छापा खाना, दिग्दर्शक, चश्मा आदि जो थे, ये सब मंगोल लाए थे और इन्हीं की वजह से पश्चिम में विज्ञान युग का आरंभ हुआ था। आगे देखें, कोलंबस और वास्को डी गामा दो घुमक्कड़ ही थे जिन्होंने पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता खोला। अब लेखक कहते हैं कि कोलंबस और वास्को डी गामा ये दो घुमक्कड़ थे जिन्होंने पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता खोला, यानी कोलंबस और वास्को डी गामा ने जो खोजे की, जिन जगहों के खोजा, उसकी वजह से पश्चिमी देशों को एक नया मार्ग मिला व्यापार के लिए। जहां जहां ये कोलंबस और वास्को डी गामा गए वो एक मार्ग प्रशस्त कर गए पश्चिमी देशों के लिए कि यहां भी मनुष्य सभ्यता रहती है। कुछ भारत आए, किसी ने अमेरिका की खोज की, तो इस तरीके से इन्होंने रास्ते को प्रशस्त किया पश्चिमी देशों के। अमेरिका अधिकतर निर्जन पड़ा था, एशिया के कूप मंडूपों को घुमक्कड़ धर्म की महिमा भूल गई। कूप मंडूक यानी कुएं का मैठक। अब एशिया के जो कूप मंडूक यानी कुएं के मैठक थे, जो ये समझते थे कि एशिया ही एकमात्र पृथ्वी है, जो एशिया का भूभाग है वही पृथ्वी का एकमात्र जगह है और अन्य नहीं, जबकि अमेरिका निर्जन पड़ा था तो वे घुमक्कड़ धर्म की महिमा भूल गए थे, यानी वे घूमना नहीं जानते थे एशिया के लोग, इसलिए उन्होंने अमेरिका पर अपनी झंडी नहीं गाड़ी, यानी अमेरिका के बारे में जानते ही नहीं थे वे। दो शताब्दियों पहले तक ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा था, और दो शताब्दियों पहले तक ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा था, यानी ऑस्ट्रेलिया कोई जानते ही नहीं था। चीन और भारत को सभ्यता का बड़ा गर्व है, लेकिन इनको इतनी अकल नहीं आई कि जाकर वहां अपना झंडा गाड़े। यानी चीन और भारत भी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों के बारे में अपरिचित था, ये भी अकलहीन थे उस समय, और इनको ये नहीं पता था कि यहाँ भी वो अपनी विजय पताका फहरा सकते हैं। आज अपने 40-50 करोड़ की जनसंख्या के भार से भारत और चीन की भूमि दबी जा रही है। अब 40-50 करोड़ की जनसंख्या के भार से, यानी ये लेखक ये जनसंख्या तब की बात कर रहे हैं कि जिस समय लेखक थे उस समय इतनी जनसंख्या थी, तो इसके भार से यानी इतनी जनसंख्या होने के बाद होने पर भारत और चीन की भूमि दबी जा रही है, अर्थात ये अपने आप में इसी जगह सीमित है। और ऑस्ट्रेलिया में 1 करोड़ भी आदमी नहीं है। आज एशियाइयों के लिए ऑस्ट्रेलिया का द्वार बंद है, लेकिन 2 सदी पहले वह हमारे हाथ की चीज थी। आज एशियाइयों के लिए ऑस्ट्रेलिया का द्वार बंद है, लेकिन 2 सदी पहले वह हमारे हाथ की चीज थी, यानी हमारे ये कहें कि हमारे व्यापार का एक विषय था। क्यों भारत और चीन ऑस्ट्रेलिया की अपार संपत्ति और अमित भूमि से वंचित रहे। अब लेखक कहते हैं इसका कारण क्या था कि क्यों भारत और चीन ऑस्ट्रेलिया की अपार भूमि, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भूमिगत क्षेत्र में सबसे बड़ा है, इसलिए कि घुमक्कड़ धर्म से विमुख थे, यानी भारत और चीन घुमक्कड़ धर्म नहीं जानते थे। अर्थात कोई ऐसा नहीं था जो एक देश से भारत और चीन से यात्रा करके दूसरी जगह जा सके, ऑस्ट्रेलिया जा सके, अमेरिका जा सके, उसे ये भूल चुके थे। यानी लेखक ये कहते हैं कि ना तो कोई अमेरिका को जानता,
कि वास्को डिगामा जब भारत आए, अमेरिका ने ए, ए, कोलंबस ने अमेरिका की जब खोज की, तो निश्चय ही इससे पश्चिमी देशों के लिए एक रास्ता खुला। और पहले चूंकि भारत और चीन के लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि पता ही नहीं था उनको, वो ऐसा इसलिए था कि भारत में भारत और चीन में घुमक्कड़ लोग नहीं थे, यानी घूमने वाले नहीं थे जो घूम के एक जगह से दूसरी जगह जाएं और कुछ खोजें, दूसरी जगह का हाल। हाँ, मैं इसे भूलना ही कहूंगा, क्योंकि किसी समय भारत और चीन बड़े बड़े नामी घुमक्कड़ किसी समय भारत और चीन ने बड़े बड़े नामी घुमक्कड़ पैदा किए, यानी ऐसे लोग भारत और चीन में रहे कि जो अपने आप में एक नामी घुमक्कड़ थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले थे। तो लेखक कहते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में भारत और चीन नहीं जानते थे, तो इसमें कमी इस बात की थी कि भारत और चीन में घुमक्कड़ नहीं थे जो पता लगा सके कि ऑस्ट्रेलिया जैसी कोई विशाल भूमि भी है कहीं पृथ्वी पर। वे भारतीय घुमक्कड़ ही थे जिन्होंने दक्षिण पूर्व में लंका, बर्मा, मलाया, यवन द्वीप, श्याम, कंबोज, चंपा, बोर्निया और सैली बीच ही नहीं, फिलीपाइन तक धावा मारा, माने यहाँ तक ये घूम आए। वे भारतीय घुमक्कड़ी थे, माने यानी भारतीय घूमने वाले थे जो इतनी जगह घूम आए, लंका, बर्मा, मलाया, यवन द्वीप, श्याम, कंबोज, चंपा, बोर्निया, सैली बीच और भी फिलीपींस वगैरह सब जगह घुमाए। और एक समय तो जान पड़ा कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी बृहत्तर भारत के अंग बनने वाले हैं। और लेखक कहते हैं यहाँ तक कि एक समय यह भी खबर आई कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे भी ये भारत के अंग बनने वाले हैं, यानी भारत से जुड़ने वाले हैं। लेकिन कूप मंडूपता तेरा सत्यानाशो, अब लेखक यहाँ कोसते हैं कुएं के मेंढकों को, कि जो धारणा है कुएं के मेंढक वाली धारणा, कूप मंडूपता जिसको बोलते हैं, यानी ये सोचना, कूप मंडूपता का अर्थ होता है ये सोचना कि जहां हम रह रहे हैं उतनी ही पृथ्वी है। जैसे कुएं का मेंढक ये सोचता है कि जो कुएं में उसको जितना दिख रहा है क्षेत्र, वही केवल पूरी सृष्टि है और इसके अन्यत्र नहीं। तो इस यही चीज भारतीयों के लिए भी एक सोचनीय, एक निराशा का विषय है कि भारतीय भी इस कूप मंडूपता से ग्रस्त रहे। इस देश के बुद्धुओं ने उपदेश करना शुरू किया कि समुद्र के खारे पानी और हिंदू धर्म में बड़ा बैर है, उसे छूने मात्र से वह नमक की पुतली की तरह गल जाएगा। और यहाँ तक कि लोगों ने यह भी भ्रम फैलाया, लेखक ये कह रहे हैं कुछ बुद्धुओं ने, कि समुद्र का जो खारा पानी है समुद्र का, और हिंदू धर्म के लोगों से समुद्र के खारे पानी और हिंदुओं का बड़ा एक दुश्मनी है। कैसी दुश्मनी, कि अगर हिंदू उसको छू लेगा तो नमक की पुतली की तरह गल जाएगा, जैसे नमक पानी के संपर्क में आने पर गल जाता है, उसी प्रकार से। इतना बतला देने पर क्या कहने की आवश्यकता है कि समाज के कल्याण के लिए घुमक्कड़ धर्म कितनी आवश्यक चीजें हैं। अब लेखक कहते हैं जब इस तरीके की भ्रामक धारणाएं फैलाई जाएंगी तो फिर ये बताने में ही कोई आवश्यक नहीं, यानी फिर इस चीज से समाज का कल्याण हो ही नहीं सकता, ये कहकर कि समाज के कल्याण के लिए घुमक्कड़ धर्म यानी घूमना बहुत आवश्यक है। जिस जाति या देश ने इस धर्म को अपनाया वह चारों फलों का भागी होगा। अब लेखक कहते हैं जिसने घुमक्कड़ी धर्म को अपनाया, यानी जहां जिस देश से या जिस जाति से घुमक्कड़ निकले, घूमने वाले लोग निकले, यात्रा करने वाले लोग निकले, उन्होंने चारों फलों का भागी हुए भी, यानी उन्होंने चारों फल प्राप्त करे। अब चार फल कौन है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। और जिसने उसे दुराया उसको नरक में भी ठिकाना नहीं। लेखक कहते हैं जिसने उसको दुराया, इस फल को दुराया माने छिपाया या ठुकराया, यानी जिसने इस धर्म को ठुकराया, घूमने वाले धर्म को, उसको तो नरक में भी जगह नहीं मिली। अब नरक में जगह मिलने का अर्थ, नरक में भी जगह मिलने का अर्थ ये है कि नरक में भी जगह न मिलना, इसका अर्थ ये है कि वो पतन की ओर चले गई वे जातियां या देश, या तो वे नष्ट हो गई या अपने आप में सीमित हो गई। आखिर घुमक्कड़ धर्म को भूलने के कारण ही हम 7 शताब्दियों तक धक्का खाते रहे, माने दर दर की ठोकरें खाते रहे और अपनी ही दुखी अवस्था को झेलते रहे। ऐसे गैर जो भी आए हमें 4 लात लगाते गए,
और लेखक कहते हैं कि ऐसे गैर जो भी आए, यानी भारत में जो भी तमाम तरह के आक्रमण हुए, कहीं मंगोल कहीं मुगल, तो ये सब इससे हम धक्के ही खाते रहे, और जो भी आए चार लाते लगा गया, अंग्रेज भी आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, तो जो आए वो लूट कर चले गए, चार लाते लगाने का थे लूट कर चले जाना। यहां आगे देखें, शायद किसी को संदेह हो, मैंने इस शास्त्र में जो युक्तियां दी हैं, यानी जो जो बातें बताई हैं, जो जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं, वे सभी तो लौकिक तथा शास्त्र अग्राह हैं, यानी लोक में संसार में और शास्त्र में अग्राह हैं, ग्रहण करने योग्य नहीं है। अच्छा, तो धर्म प्रमाण लीजिए। अच्छा, तो धर्म प्रमाण लीजिए, यानी लेखक कहते कि अब जो मैं बात अपनी कह रहा हूं उसके लिए अब धर्म का प्रमाण आप लें, यानी धर्म के मूल से उसको समझे, धर्म के संदर्भ से उसको समझे, धर्म के प्रसंग से उसको समझे। दुनिया के अधिकांश धर्म नायक घुमक्कड़ रहे। अब लेखक कहते हैं कि जो भी धर्म नायक हुए, जो भी धर्म की ध्वजा को फहराने वाले जो नेता हुए, अब नायक कहने का अर्थ है जो मुख्य रहे, जो मेन रहे धर्म को फैलाने वाले, जो धर्म नायक थे वे भी घुमक्कड़ रहे। धर्माचार्यों में आचार विचार, बुद्धि और तर्क तथा आचार माने आचरण, विचार माने उनकी सोच विचारधारा, बुद्धि और तर्क तथा सहृदयता, सहृदयता माने सबके लिए समान हृदय होना, सहृदयता सर्वश्रेष्ठ बुद्ध घुमक्कड़ राज थी। यानी धर्माचारों में आचार विचार, बुद्धि और तर्क तथा सहृदयता में सर्वश्रेष्ठ बुद्ध घुमक्कड़ राज थी। यानी इन सब में अगर देखा जाए, जो भी धर्माचारों में जो आचार विचार, बुद्धि और तर्क की अगर बात की जाए, तो इन सब में सर्वश्रेष्ठ बुद्ध माने जो सबसे ज्ञानी थे, वे घुमक्कड़ राज थे, यानी जो घूमे, जो यात्रा में गए, जिन्होंने घूमने को अपना मुख्य व्यापार बनाया, या ये कहें कि धर्म बनाया, वे ही मुख्य बुद्धिमान माने गए। यद्यपि वह भारत से बाहर नहीं गए, लेकिन वर्ष के 3 मासों को छोड़कर एक जगह रहना वह पाप समझते थे। यानी जो साधु संत हुआ करते थे धर्माचार वगैरह, वे वर्ष के केवल 3 माह यानी बरसात के समय ही वो एक जगह स्थिर होकर साधना पूजन भजन किया करते थे, बाकी पूरे वर्ष यानी 9 महीने वो घूमते ही रहते थे। वह अपने आप ही घुमक्कड़ नहीं थे, बल्कि आरंभ में ही अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिक्खवे चरथ, कि हे भिक्षु, हे सन्यासी, चरथ अर्थात घूमो, जिसका अर्थ है भिक्षु, घुमक्कड़ी करो। बुद्ध के भिक्षुओं ने अपने गुरु की शिक्षा को कितना माना, क्या इसे बताने की आवश्यकता है। अब लेखक ये कहते हैं कि जो अगर बुद्ध के भिक्षुओं की बात की जाए, तो बुद्ध के भिक्षुओं ने भी अपने गुरु की आज्ञा अर्थात बुद्ध की आज्ञा को माना, वे भी बहुत घुमक्कड़ थे। यहाँ जो ऊपर एक शब्द आया, सहृदयता में सर्वश्रेष्ठ बुद्ध घुमक्कड़ राज थे, यानी जो घूमने वाले थे उनको यहाँ बुद्ध कहा गया, यानी वही ज्ञानी कहलाए। तो जो बुद्ध ने भी अपने भिक्षुओं को ये सलाह दी कि वे भी घूमें, और जो भी आचार्य हुआ करते थे, गुरु हुआ करते थे, वे भी अपने शिष्यों को घूमने की ही सलाह देते थे और कहते थे घुमक्कड़ी करो, जाओ यात्रा करो। क्या उन्होंने पश्चिम में मकदूनिया तथा मिस्र से पूरब में जापान तक, उत्तर में मंगोलिया से लेकर दक्षिण में बाली और बांकों के द्वीपों तक रौंद कर रख दिया, अर्थात इतनी सब अपने पैरों से रौंद दिया, अर्थात इतनी सब यात्रा कर ली, कि पश्चिम में मकदूनिया और मिस्र से पूर्व में, यानी पश्चिम में मकदूनिया और मिस्र, और पूरब में जापान तक, फिर उत्तर में मंगोलिया से लेकर दक्षिण में बाली तक और बांका के द्वीपों तक, ये सब क्या उन्होंने रौंदा, अर्थात इतना घूमा, किन्ने, बुद्ध के भिक्षुओं ने। जिस बृहत्तर माने बड़े स्तर की भारत के लिए हरेक, जिस बड़े स्तर के भारत के लिए हर एक भारतीय को उचित अभिमान है, क्या उसका निर्माण इन्हीं घुमक्कड़ों की चरण धूलि ने नहीं किया। अब लेखक कहते हैं कि जिस बड़े भारत पर हमें अभिमान है, हम उचित अभिमान करते हैं, सोचते हैं, गर्व करते हैं, क्या उस बड़े भारत का निर्माण इन घुमक्कड़ों ने ही नहीं किया, यानी ये इन्हीं की देन है, इन्हीं बौद्ध भिक्षुओं,
इन्हीं सन्यासियों की देन है। केवल बुद्ध ने ही अपनी घुमक्कड़ी से प्रेरणा नहीं दी, बल्कि घुमक्कड़ों का इतना जोर बुद्ध से एक दो शताब्दियों पूर्व भी था, जिसके कारण ही बुद्ध जैसे घुमक्कड़ राज यानी घूमने में माहिर या घूमने की इच्छा रखने वाले इस देश में पैदा हो सके। अब लेखक कहते हैं कि केवल ऐसा नहीं कि बुद्ध ने अपने सन्यासियों को कहा हो, भिक्षुओं को कहा हो कि वे ही घूमे, इसका अर्थ ये भी है कि इनसे एक दो शताब्दी पूर्व भी इस देश में कई घुमक्कड़ राज हुए, अर्थात घूमने वाले लोग हुए जो बुद्ध के जैसे थे। उस वक्त पुरुष ही नहीं स्त्रियां तक जम्बू वृक्ष की शाखा ले अपनी प्रखर प्रतिभा का जौहर दिखाती, अर्थात प्रतिभा दिखाती, बाद में कूप मंडूक को पराजित करती, सारे भारत में मुक्त होकर विचरण करती थी। अब लेखक कहते हैं केवल ऐसा नहीं रहा कि पुरुष ही घूमे, स्त्रियां भी जम्बू वृक्ष की शाखा ले, अर्थात जम्बू द्वीप, भारत को जम्बू द्वीप कहा जाता है, तो इसके की जो इस की जो शाखाएं लेने का अर्थ यह है कि जहां तक ये फैला है वहां तक ये फैला वहां तक उसकी शाखाएं होंगी, तो उनकी शाखाओं को लेने का अर्थ है एक एक छोर इन्होंने घूम लिया और अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया माने कमाल दिखाया, और जो कूप मंडूक है उनको पराजित किया अपने घूमने से और मुक्त होकर विचरण किया पूरे भारत में। आगे देखें, कई कई महिलाएं पूछती हैं क्या स्त्रियां भी घुमक्कड़ी कर सकती हैं, क्या उनको भी इस महाव्रत की दीक्षा लेनी चाहिए। कई स्त्रियां ऐसा पूछती हैं, लेखक कहते हैं कि क्या वे भी घूम सकती हैं, क्या उनको इसकी दीक्षा लेनी चाहिए। अब घुमक्कड़ी के व्रत की दीक्षा लेने का अर्थ यह है कि उस संन्यास धर्म में दीक्षा लेनी चाहिए जो घुमक्कड़ी को पसंद करते हैं या जो घुमक्कड़ी की सलाह देते हैं। इसके बारे में तो अलग अध्याय लिखा जाने वाला है, किंतु यहाँ इतना कह देना कि घुमक्कड़ धर्म ब्राह्मण धर्म जैसा संकुचित नहीं है जिसमें स्त्रियों के लिए स्थान ना हो। स्त्रियां इसमें उतना ही अधिकार रखती हैं जितना पुरुष। अब लेखक ये कहते हैं कि घुमक्कड़ धर्म केवल ब्राह्मण धर्म जैसा संकुचित नहीं है, कि ब्राह्मण धर्म में ये कहा जाता है कि स्त्रियों को विशेष अधिकार नहीं, लेकिन घुमक्कड़ धर्म में ये कहा जाता है, अर्थात घूमने का जो धर्म है उसमें ये कहा जाता है कि स्त्रियां भी घूम सकती हैं, उनका भी अधिकार है जितना पुरुष का है। यदि वे जन्म सफल करके व्यक्ति और समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं तो उन्हें भी दोनों हाथों इस धर्म को स्वीकार करना चाहिए। अब लेखक स्त्रियों को भी यहाँ सलाह देते हैं कि वे अगर समाज और अपना कल्याण करना चाहती हैं, व्यक्ति का और समाज का यानी स्वयं का और समाज का, तो उन्हें भी दोनों हाथों इस धर्म को स्वीकार करना चाहिए, अर्थात इस धर्म में दीक्षा लेनी चाहिए कि वे घूमें। घुमक्कड़ी धर्म छुड़ाने के लिए पुरुष ने बहुत से बंधन नारी रास्ते में लगाए हैं। अब घूमने वाले धर्म को छुड़ाने के लिए पुरुष ने बहुत सारे बंधन नारी के रास्ते में लगा दिए, अर्थात रोका। बुद्ध ने सिर्फ पुरुषों के लिए घुमक्कड़ी करने का आदेश नहीं दिया, बल्कि स्त्रियों के लिए भी उनका यही उपदेश था। अब लेखक ये कहते हैं कि बुद्ध ने केवल पुरुष सन्यासी या पुरुष भिक्षुओं को भर नहीं कहा कि वे घूमें, बल्कि स्त्री जो भिक्षुणी थी उनको भी कहा कि वे भी घूमे, उनको भी इस चीज का उपदेश दिया। आगे देखें, भारत के प्राचीन धर्मों में जैन धर्म भी है। जैन धर्म के प्रतिष्ठापक श्रवण महावीर कौन थे? वह भी घुमक्कड़ राज थे। अब घुमक्कड़ राज कहने का अर्थ है जो घूमना पसंद करते हैं, कि जो जैन धर्म है उसके जो प्रवर्तक है, प्रतिष्ठापक है, प्रतिष्ठापक यानी प्रतिष्ठा देने वाले, प्रतिपादन करने वाले महावीर, भगवान महावीर, वह भी घुमक्कड़ राज थे, उन्होंने भी घूमा। घुमक्कड़ धर्म के आचरण में छोटी से बड़ी तक सभी बाधाओं और उपाधियों को उन्होंने त्याग दिया था, यानी इतना उन्होंने घुमक्कड़ किया कि इसको आचरण करने में, अपनाने में, अपने आचरण में लाने में, यानी घूमने के लिए जो भी छोटी बड़ी बाधाएं उपाधियां थी, यानी जो भी अब बाधाएं माने बाधाएं, उपाधियां माने जो भी, अब उपाधि का अर्थ होता है पद, अब यहाँ पद का अर्थ ये होगा कि कोई भी प्रलोभन, कि जो भी बाधाएं और प्रलोभन थे उन्होंने सबको त्याग दिया। घर द्वार और नारी संतान ही नहीं, वस्त्र का भी वर्जन कर दिया, यानी वस्त्र भी उन्होंने त्याग दिए। करतल भिक्षा तरुतल वास,
यानी हाथों के तले भिक्षा और तरु के तले यानी पेड़ के तले वास, यानी उन्होंने हाथों में भिक्षा ग्रहण की, कटोरा भी अपने साथ पास नहीं रखा, कोई भिक्षा पात्र भी नहीं रखा। महावीर इतने बड़े घुमक्कड़ी थे, घुमक्कड़ राज थे कि उन्होंने हाथ में भिक्षा पात्र भी नहीं रखा, हाथों में ही भिक्षा ले लेते थे और पेड़ों के नीचे वास करते थे। तथा दिग अंबर को उन्होंने इसलिए अपनाया था कि निर्द्वंद विचरण में कोई बाधा ना रहे। दिग अंबर का अर्थ होता है जो दिशाओं को अपना अंबर मान के चले, अर्थात वस्त्र मान के चले। और उन्होंने ना तो हाथ में कोई भिक्षा पात्र लिया, बल्कि पेड़ों के तले निवास किया, कोई बिछौना भी नहीं रखा, और दिशाओं को अंबर बनाया। दिशाओं को अंबर बनाने का अर्थ है कि नग्न अवस्था में भी रहे, ताकि अब कोई बाधा ना रहे घूमने के लिए और निर्द्वंद विचरण कर सके। निर्द्वंद की कोई व्यवधान ना हो, घूम सके, विचरण कर सके। श्वेतांबर बंधु दिगंबर कहने के लिए नाराज ना हो। अब लेखक कहते हैं जो श्वेतांबर है, जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जैन मुनि होते हैं उनको श्वेतांबर कहते हैं, तो वे जो हैं वे दिगंबर कहने के लिए नाराज ना हो। अर्थात मैं जो महावीर, भगवान महावीर को दिगंबर कह रहा हूं, उसके लिए श्वेतांबर जो शाखा है जैन धर्म की, उसको मानने वाले नाराज ना हो। वस्तुतः हमारे वैज्ञानिक महान घुमक्कड़ कुछ बातों में वस्तुतः हमारे वैज्ञानिक महान घुमक्कड़ कुछ बातों में दिगंबरों की कल्पना के अनुसार थे और कुछ बातों में श्वेतांबरों के उल्लेख के अनुसार। अब लेखक ये कहते हैं कि जो महान घुमक्कड़ हुए महावीर जैसे, तो कुछ बातों में जो जैन धर्म की दो शाखाएं हैं, एक दिगंबर शाखा एक श्वेतांबर शाखा, कि कुछ बातों में तो वे श्वेतांबर के अनुसार थे, कुछ बातों में दिगंबरों के अनुसार। दिगंबर वे होते हैं जो वस्त्र धारण नहीं करते, श्वेतांबर वे होते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। लेकिन इसमें तो दोनों संप्रदाय, यानी जैन धर्म की ये दोनों संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर, दोनों संप्रदाय और बाहर के मर्मज्ञ भी सहमत हैं कि भगवान महावीर दूसरी तीसरी नहीं प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ थे। यानी ये दोनों संप्रदाय मानते हैं और जो बाहर के मर्मज्ञ हैं, यानी अन्य संप्रदाय अन्य धर्मों के जो मर्मज्ञ मर्म को जानने वाले ज्ञानी लोग हैं, वे भी इस बात को मानते हैं कि भगवान महावीर प्रथम कोटि के घुमक्कड़ थे, प्रथम श्रेणी के, पहली दूसरी के नहीं, तीसरे के भी नहीं, यानी तीसरे और द्वितीय नहीं, प्रथम श्रेणी के थे। वह आजीवन घूमते ही रहे, वैशाली में जन्म लेकर विचरण करते ही पावा में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। वैशाली में जन्म लिया और फिर घूमते घूमते पावा में शरीर छोड़ा था, प्राण त्यागी केवली अवस्था को प्राप्त किया, परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। अर्थात कहने परम सिद्धि का अर्थ ये होता है कि मोक्ष को प्राप्त हुए, या ये कहें कि शरीर छोड़ा महापरिनिर्माण को प्राप्त हुए, परम समाधि में लीन हुए। बुद्ध और महावीर से बढ़कर यदि कोई त्याग तपस्या और सहृदयता का दावा करता है तो मैं उसे केवल दम्भी कहूंगा। अब लेखक ये कहते हैं कि अगर कोई ये कहे कि मैंने बुद्ध और महावीर से ज्यादा घूमा और उनसे ज्यादा त्याग तपस्या और सहृदयता, यानी सबके प्रति समान हृदय की भावना रखी, तो फिर मैं उसको दम्भी कहूंगा, अर्थात अहंकारी कहूंगा। आज कुटिया या आश्रम बनाकर तेली के बैल की तरह कोलू से बंधे कितने ही लोग अपने को अद्वितीय महात्मा कहते हैं या चेलों से कहलवाते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा घुमक्कड़ी को त्याग कर यदि महापुरुष बना जाता है तो फिर ऐसे लोग गली गली में देखे जाते। अब लेखक ये कहते हैं कोई ये कहे कि मैं सबसे बड़ा महात्मा हूँ और मैं कोई कुटिया आश्रम बनाकर रहता हूँ, यानी कोई व्यक्ति अपने लिए ये कहे कि वो कुटिया आश्रम बनाकर एक सन्यासी का जीवन जी रहा है, तो वो उसी की तरह जैसे तेली का जो बैल होता है वो कोलू के चारों ओर घूमते ही रहता है, वो अपने आप को बड़ा घुमक्कड़ अगर समझने की भूल करे तो फिर घुमक्कड़ नहीं, क्योंकि वो एक ही जगह घूम रहा है। इसी प्रकार जो साधु एक ही जगह रहकर अपने आप को घुमक्कड़ी कहना या सन्यासी कहना पसंद करते हैं या अपने चेलों से कहलवाते हैं, तो फिर लेखक ये कहता है तो फिर तो ऐसे तो जो महापुरुष हैं तो गली गली कूचे कूचे में मिलेंगे, अर्थात फिर तो हर एक व्यक्ति फिर ऐसा हो गया, क्योंकि सभी अपने घर में ही रहते हैं। मैं तो जिज्ञासुओं को खबरदार कर देना चाहता हूँ कि वे ऐसे मुलम्बे वाले महात्माओं, जो अपनी आपकी मुलम्बे का अर्थ है कि जो अपनी खुद की बढ़वाई करे, ऐसे मुलम्बे वाले महात्माओं और महापुरुषों के फेर से बचें। फिर लेखक यहाँ जिज्ञासु यानी जो घूमने की जिज्ञासा रखते हैं या जो और अन्य चीज़ों के ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा रखते हैं, वे
उनके लिए लेखक सलाह देता है कि वे ऐसे लोगों से फिर दूर रहें जो मिथ्या दम्भ भरते हैं, झूठा घमंड दिखाते हैं कि वे घूमने वाले हैं या घुमक्कड़ हैं। वे स्वयं तेली के बैल तो हैं ही, दूसरों को भी अपने जैसा बना रखेंगे। लेखक सलाह देते हैं कि वे स्वयं तेली के बैल तो हैं ही, दूसरों को भी वैसे ही बना देंगे। अब तेली के बैल कहने का अर्थ ये है कि जैसे एक तेली का बैल कोल्हू के चारों ओर घूमता रहता है वहीं वहीं, तो इसी तरह वे भी हो जाएंगे जो जिज्ञासु लोग हैं यदि वे इनके चक्कर में पड़ेंगे। बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों की घुमक्कड़ी की बात से यह नहीं मान लेना होगा कि दूसरे लोग ईश्वर के भरोसे गुफा या कोठरी में बैठकर सारी सिद्धियां पा गए या पा जाते हैं। अब लेखक ये कहते हैं कि बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों की घुमक्कड़ी की बात से यह नहीं मान लेना होगा, यानी हम ये ना मान लें कि जो दूसरे अन्य हैं वे ईश्वर के भरोसे किसी गुफा या कोठरी में यानी कमरे में बैठकर सारी सिद्धियां पा गए या पा जाते हैं। यदि वे सारी सिद्धियां पा जाते, यदि ऐसा होता तो शंकराचार्य जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप थे यानी ब्रह्मा के ही रूप थे यानी ईश्वर स्वरूप थे, क्यों भारत के चारों कोनों की खाक छानते फिरे। अब लेखक कहते हैं कि अगर कोई एक कुटिया में बैठ के साधना में सिद्धि पा जाए तो फिर शंकराचार्य जैसे क्यों पूरा भारत छानते रहते, बल्कि वे तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप थे अर्थात उन्हें तो कोई साधना की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने घूमा। यानी लेखक यहाँ ये कहना चाहते हैं कि घुमक्कड़ी जो धर्म है वो सभी सन्यासियों के लिए और जिज्ञासियों के लिए आवश्यक है। फिर शंकर को शंकर किसी ब्रह्मा ने नहीं बनाया, उन्हें बड़ा बनाने वाला था यही घुमक्कड़ी धर्म। यानी आचार्य शंकर को शंकर जैसा यानी भगवान शिव जैसा किसी ब्रह्मा ने नहीं बनाया, यानी कोई रचनाकार बनाने वाला नहीं, उनको शंकर जैसा यानी शंकर को शंकर यानी जिस अवस्था को वो प्राप्त हो गए थे आचार्य शंकराचार्य, जिस ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो गए थे वो ब्रह्म स्वरूप उन्हें घुमक्कड़ी धर्म ने बनाया। शंकर बराबर घूमते रहे, आज केरल देश में थे तो कुछ ही महीनों बाद मिथिला में और अगले साल कश्मीर या हिमालय के किसी दूसरे भाग में, यानी वे घूमते ही रहे, कभी मिथिला कभी कश्मीर कभी हिमालय। शंकर तरुणाई में ही शिवलोक सिधार गए, यानी बहुत कम उम्र में शिवलोक सिधार जाने का अर्थ है शिव के लोक चले गए अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। किंतु थोड़े जीवन में उन्होंने सिर्फ तीन भाष्य ही नहीं लिखे बल्कि अपने आचरण से अनुयायियों को वह घुमक्कड़ी का पाठ पढ़ा गए कि आज भी उनके पालन करने वाले सैकड़ों मिलते हैं। यानी ऐसा नहीं था कि वो कम उम्र जिए और फिर कम उम्र में ही शिवलोक चले गए अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर गए, भगवान शिव के धाम चले गए, बल्कि ये भी है कि उन्होंने अपने इतने कम जीवन में ही तीन भाष्य लिखे और साथ ही साथ उन्होंने जो भी उनके अनुयायी थे उनको घुमक्कड़ी का पाठ सिखा गए और उनके इस पाठ को पालन करने वाले सैकड़ों हैं। वास्को डिगामा के भारत पहुंचने से बहुत पहले शंकर के शिष्य मास्को और यूरोप तक पहुंचे थे। अब वास्को डिगामा जब भारत पहुंचे तो उसके बहुत पहले आचार्य शंकर के शिष्य अर्थात शंकराचार्य के शिष्य मास्को पहुंच चुके थे, वहां तक घूमते घूमते यूरोप तक पहुंच गए थे। उनके साहसी शिष्य सिर्फ भारत के चारों धामों से ही संतुष्ट नहीं थे, यानी जो उनके साहसी शिष्य थे वो केवल भारत के चारों धामों तक सीमित नहीं रहे, बहुत घूमे, बल्कि उनमें से कितनों ने जाकर बाकू जो रूस में है मैं धूनी रमाई अर्थात वहां भी उन्होंने साधना की। एक ने पर्यटन करते हुए बोलगा तट पर निजी नोवोग्राद के महामेले को देखा, यानी निजी नोवोग्राद में जो बड़ा मेला लगता है उसको भी एक सन्यासी ने देखा जो बोलगा तट पर लगता है। आगे देखें, रामानुज मध्वाचार्य और वैष्णवाचार्यों के अनुयायी मुझे क्षमा करें यदि मैं कहूं कि उन्होंने भारत में कूप मंडूकता के प्रचार में बड़ी सरगर्मी दिखाई। अब लेखक यहां रामानुज माधवाचार्य और वैष्णव आचार्य जो भी हुए इनके अनुयायियों से इसलिए क्षमा मांगते हैं क्योंकि इन लोगों ने घुमक्कड़ी धर्म का पालन नहीं किया, ये कूप मंडूकता का ही इन्होंने समर्थन किया, इसी का प्रचार अर्थात ये एक ही जगह बने रहे। भला हो रामानंद और चैतन्य का जिन्होंने की पंक से पंकज बनकर यानी कीचड़ से कमल बनकर आदि काल से चले आते महान घुमक्कड़ धर्म की फिर से प्रतिष्ठापना की अर्थात इस धर्म को पुनः एक महिमा प्रदान की, प्रतिष्ठा प्रदान की, एक प्रसिद्धि प्रदान की। किसने? रामानंद के जो शिष्य हुए और चैतन्य के जो शिष्य हुए यानी चैतन्य महाप्रभु के, उन्होंने।
जिसके फलस्वरूप प्रथम श्रेणी के तो नहीं किंतु द्वितीय श्रेणी के बहुत से घुमक्कड़ उनमें पैदा हुए। अब लेखक कहते हैं कि मान लिया इनके शिष्यों को प्रथम श्रेणी के ना भी कहा जाए तो कम से कम द्वितीय श्रेणी के घुमक्कड़ तो पैदा हुए इनके इनके संप्रदाय में। वे बेचारे बाकू की बड़ी ज्वालामयी तक कैसे जाते, उनके लिए तो मानसरोवर पहुंचना भी मुश्किल था। अब लेखक कहते हैं वे बाकू की ज्वालामयी तक कैसे जाते, उनके लिए तो मानसरोवर पहुंचना भी मुश्किल था। अपने हाथ से खाना बनाना, मांस अंडे से छू जाने पर भी धर्म का चला जाना। अब यहाँ मांस अंडे के छू जाने पर ही धर्म का चला जाने का अर्थ है कि वे लोग अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखते थे, और अगर ये छू भी लेते थे तो उनको लगता था कि उनका धर्म चला गया। हाथ तोड़ सर्दी के कारण हर लघु शंका के बाद बर्फीले पानी से हाथ धोना और महाशंका के बाद स्नान करना तो यमराज को निमंत्रण देना होता है। अर्थात लेखक के कहने का अर्थ लघु शंका यानी टॉयलेट करना और महाशंका अर्थात मल त्याग के लिए जाना, ये सब तो एक टाइप से यमराज को निमंत्रण देना है। अर्थात बर्फीला पानी हो, ठंडा पानी हो तो बार बार हाथ धोना, स्नान करना, ये सब अपने आप में इनके लिए बहुत कठिन था। इसलिए बेचारे फूक फूक कर ही घुमक्कड़ी कर सकते थे। अब फूक फूक कर घुमक्कड़ी करने का अर्थ है कि जहाँ सुविधा होती थी वहीं जाते थे घूमने। ये सब चीज़ों की सुविधा उनके पास, खाने की, रहने की, अन्य सारी व्यवस्थाएं। इसमें किसे उज्र हो सकता है कि शैव हो या, यानी आपत्ति किसे हो सकती है कि शैव हो या वैष्णव, वेदांती। अब शैव माने जो शिव को माने, वैष्णव माने जो विष्णु को माने, वेदांती जो वेदों को मानते हो या सिद्धांती जो सिद्धांतों को मानते हो, सभी को आगे बढ़ाया केवल घुमक्कड़ धर्म ने। और लेखक ये कहते हैं कि इसमें किसी को भी कोई उज्र नहीं, कोई शिकायत या आपत्ति नहीं कि इन सब धर्मों को घुमक्कड़ी धर्म ने ही आगे बढ़ाया। महान घुमक्कड़ धर्म बौद्ध धर्म का भारत से लुप्त होना क्या था कि कूप मंडूपता का हमारे देश में बोलबाला हो गया। अब लेखक कहते हैं जब बौद्ध धर्म जो बड़ा घुमक्कड़ धर्म था वो जब भारत में लुप्त हुआ तो कूप मंडूपता का बोलबाला हो गया। अर्थात वे लोग ज्यादा बढ़ गए जो घूमते नहीं थे, जो कुएं के मेंढक थे, एक ही जगह रहना पसंद करते थे। बुद्ध धर्म का लुप्त होने का अर्थ है कि इनकी संख्या कम हो जाना। 7 शताब्दियां बीत गई और इन 7 शताब्दियों में दासता और परतंत्रता हमारे देश में पैर तोड़कर बैठ गई। अब लेखक कहते हैं 7 शताब्दियां हो गई तब से अब तक, और इतने समय में दासता और परतंत्रता हमारे देश में पैर तोड़कर बैठ गई, अर्थात स्थायी हो गई। लोग दास बन गए और परतंत्र बन गए, दूसरों के अधीन हो गए। यह कोई आकस्मिक बात नहीं थी, अर्थात ये कोई अचानक घटना नहीं थी कि लोग दास बन गए। समाज के अगुओं ने चाहे कितना ही कूप मंडूपता बनना चाहा, लेकिन इस देश में ऐसे माई के लाल जब तक पैदा होते रहे जिन्होंने कर्म पथ की ओर संकेत किया, यानी कई लोगों ने समाज को नीचे ले जाने की कोशिश की। कूप मंडूक बनना चाहा, अर्थात एक ही जगह रहना चाहा, घूमे नहीं वे, लेकिन कुछ ऐसे माई के लाल हुए अर्थात साहसी लोग हुए जिन्होंने कर्म पथ की ओर संकेत किया, अर्थात उनका क्या कर्म था उसकी ओर उन्होंने इशारा किया। हमारे इतिहास में गुरु नानक का समय दूर का नहीं है, लेकिन अपने समय के वह महान घुमक्कड़ थे, यानी गुरु नानक भी एक घुमक्कड़ थे। उन्होंने भारत भ्रमण को ही पर्याप्त नहीं समझा, ईरान और अरब तक धावा मारा, अर्थात ईरान और अरब तक भी घूमने गए थे। घुमक्कड़ी किस बड़े योग से कम सिद्धिदायिनी नहीं, यानी घुमक्कड़ी जो है, घूमना जो है, वो किसी बड़े योग, यानी जो योग होते हैं ना, वर्ष में कोई योग आता है, कभी दीपावली, दशहरा में ये, या नवरात्रि में, ये जो योग होते हैं, इन योग में जो विशेष सिद्धियां मिलती हैं, घुमक्कड़ी ठीक उसी प्रकार से है। और निर्भीक तो वह एक नंबर का बना देती है, यानी घुमक्कड़ी होने से व्यक्ति निर्भीक हो जाता है, अर्थात ज्यादा घूमने से व्यक्ति को भय नहीं रहता। दूर शताब्दियों की बात छोड़िए, अभी शताब्दी भी नहीं बीती इस देश से स्वामी दयानंद विदा हुए, यानी बहुत पुरानी बात अगर ना भी की जाए तो स्वामी दयानंद को भी अभी बीते हुए 1 शताब्दी भी नहीं हुए पे भी एक घुमक्कड़ थे। स्वामी दयानंद को ऋषि दयानंद किसने मनाया, घुमक्कड़ी धर्म ने, अर्थात वे ऋषि दयानंद घूम घूम कर ही हुए।
उन्होंने भारत के अधिक भागों का भ्रमण किया। पुस्तक भी लिखते रहे, शास्त्रार्थ करते रहे, अर्थात बहस करते रहे एक दूसरे से, ये कहने के जहां भी गए वहीं धर्म की चर्चा की, वह बराबर भ्रमण करते रहे। शास्त्रों को पढ़कर काशी के बड़े बड़े पंडित महामंडूक, जो बड़े बड़े मेंढक के समान थे, महामंडूक माने महान मंडूक, जो घुमक्कड़ नहीं थे, एक जगह ही सीमित थे, उनको महामंडूक कहा गया। शास्त्रों को पढ़कर काशी के बड़े बड़े पंडित महामंडूक बनने में ही सफल होते रहे, यानी जो बड़े बड़े पंडित थे वे महामंडूक ही बने रहे। शास्त्रों को पढ़ के अपना अहंकार बढ़ाते, उन्होंने भ्रमण नहीं किया, लेकिन दयानंद जैसे लोगों ने भ्रमण किया, इसलिए दयानंद को मुक्त बुद्धि, यानी जिसकी बुद्धि मुक्त हो, तर्क प्रधान बनाने का कारण शास्त्रों से अलग कहीं ढूंढना होगा। लेखक कहते हैं कि अगर दयानंद मुक्त बुद्धि थे, तर्क प्रधान थे, यानी तर्क करने में श्रेष्ठ थे, तो समझिए इसमें शास्त्रों का कहीं कोई अर्थ नहीं है, ना ही शास्त्र कारण है, अन्य कोई कारण है, और वह है उनका निरंतर घुमक्कड़ी धर्म का सेवन, यानी घुमक्कड़ी धर्म को सेवन करना, अपनाना, यानी निरंतर घूमना ही इसके पीछे कारण है कि इनको, ये बहुत बुद्धिमान थे और तर्क प्रधान थे। उन्होंने समुद्र यात्रा करने, द्वीप द्वीपांतरों में जाने के विरुद्ध जितनी थोथी दलीलें दी जाती थी, उन्होंने समुद्र यात्रा करनी, यानी समुद्र यात्रा के लिए जो लोग दलीलें देते थे, जो अपने तर्क वितर्क करते थे, और द्वीप द्वीपांतर यानी एक द्वीप से दूसरे द्वीप की यात्रा में जो जो विरोधी चीजें थी, जितनी थोथी दलीलें यानी बेकार की दलीलें दी जाती थी, बातें की जाती थी, सबको चिंदी चिंदी करके उड़ा दिया, अर्थात ऐसे ही उड़ा दिया, और बताया कि मनुष्य स्थावर वृक्ष नहीं, और इन्होंने ये भी बताया कि मनुष्य स्थावर वृक्ष नहीं, अर्थात एक जगह लगे रहने वाला पेड़ नहीं है कि वे एक ही जगह सीमित रहे, वह जंगम प्राणी है, अर्थात जंगल का प्राणी है, जो जैसे जंगल का प्राणी सब जगह घूमता है वैसे ही है वो मनुष्य। चलना मनुष्य का धर्म है, जिसने इसे छोड़ा वह मनुष्य होने का अधिकारी नहीं। यहां तक कि इन्होंने घुमक्कड़ राज ने यह भी बताया था, जो भी घूमने में प्रधान लोग थे, मुख्य थे, या घूमना जिनको बहुत पसंद था, उन्होंने ये बताया कि मनुष्य का धर्म ही है चलना, और जिस मनुष्य ने चलने का धर्म छोड़ दिया, अर्थात घूमने का धर्म छोड़ दिया, वो मनुष्य का कहने का कहलाने का अधिकारी नहीं है। आगे देखें, 20वीं शताब्दी के भारतीय घुमक्कड़ों की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। लेखक कहते हैं कि जो 20वीं शताब्दी में जो भारतीय घुमक्कड़ आए, अब उनकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। इतना लिखने से मालूम हो गया होगा कि संसार में यदि अनादि सनातन धर्म है, तो वह घुमक्कड़ी धर्म है, लेकिन वह संकुचित संप्रदाय नहीं। लेखक कहते हैं कि अगर किसी धर्म, सनातन धर्म कोई है अगर हमारे देश में, तो फिर वो घुमक्कड़ी धर्म है, अर्थात घुमक्कड़ धर्म है, घूमने का धर्म, लेकिन वह संकुचित संप्रदाय नहीं। और इस धर्म को कोई संकुचित यानी एक जगह सीमित रहने वाला संप्रदाय नहीं मान सकते। वह आकाश की तरह महान है, जिस प्रकार से आकाश व्यापक है, उसी प्रकार से घुमक्कड़ धर्म भी व्यापक है, समुद्र की तरह विशाल है, यानी इनसे लेखक तुलना करता है घुमक्कड़, जिस प्रकार समुद्र विशाल, आकाश विशाल, उसी प्रकार घुमक्कड़ धर्म विशाल। जिन धर्मों ने अधिक यश और महिमा प्राप्त की, केवल घुमक्कड़ धर्म ही के कारण, यानी जो भी धर्म, लेखक कहने का अर्थ है, जिन धर्मों ने भी यश कमाया, यानी जो धर्म बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, वे इसी कारण प्रसिद्धि को प्राप्त हुए और महिमा उनकी बढ़ी, क्योंकि उन धर्म के प्रचार के लिए घुमक्कड़ ही इधर से उधर गए। प्रभु ईसा घुमक्कड़ थे, यानी ईसा मसीह भी घूमने के प्रेमी थे, उनके अनुयायी भी ऐसे घुमक्कड़ थे जिन्होंने ईसा के संदेश को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया। अब दुनिया के कोने कोने पहुंचाने का अर्थ है कि उन्होंने ईसाई धर्म को इधर से उधर फैलाया घूम घूम कर, कि आज ईसाई धर्म लगभग पूरे विश्व में फैला है, वो इसी कारण कि उन्होंने घूमा। आगे देखें, इतना कहने के बाद कोई संदेह नहीं रह गया कि घुमक्कड़ धर्म से बढ़कर दुनिया में धर्म नहीं। लेखक कहते हैं कि इतनी मैंने चर्चा कर ली, अब इतना कहने के बाद अब संदेह नहीं होना चाहिए पढ़ने वाले व्यक्ति को, जो पाठक है, कि घुमक्कड़ धर्म ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। धर्म भी छोटी बात है, उसे घुमक्कड़ के साथ लगाना महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस वाली बात हो गई। यानी अगर रावण पड़ोस में हमारे बस जाए, लंका में बसने के बजाय, तो अब ये बहुत ओछी बात कहलाएगी। उसी तरह यदि धर्म, किसी भी धर्म, धर्म भी छोटी बात है घुमक्कड़ के सामने।
घुमक्कड़ होना आदमी के लिए परम सौभाग्य की बात है। लेखक कहते हैं घुमक्कड़ होना आदमी के लिए परम सौभाग्य की बात है, यानी जो घुमक्कड़ हो गया वो परम सौभाग्यवान है, बहुत भाग्यशाली है। यह पंथ अपने अनुयायियों को मरने के बाद किसी काल्पनिक स्वर्ग का प्रलोभन नहीं देता, यानी जो घुमक्कड़ धर्म को मानने वाले यानी घूमने के प्रेमी हैं वे स्वर्ग की लालसा नहीं करते। और इस धर्म को मानने वाले, इस पंथ, इस मार्ग को पर चलने वाले लोग अपने शिष्यों को, अनुयायियों को किसी काल्पनिक स्वर्ग का प्रलोभन नहीं देते कि घूमने से या कोई काम करने से स्वर्ग मिल जाएगा। इसके लिए तो कह सकते हैं क्या खूब सौदा नगद है, इस हाथ ले उस हाथ दे, यानी घूमने में तो वो नगद सौदा है घूमना कि इस हाथ ले उस हाथ दे, अर्थात घूमो ज्ञान प्राप्त हुआ। घुमक्कड़ी वही कर सकता है जो निश्चिंत है, अर्थात जिसको कोई चिंता नहीं। किन साधनों से संपन्न होकर आदमी घुमक्कड़ बनने का अधिकार हो सकता है, यह आगे बताया जाएगा। लेखक कहते हैं कि कौन से साधन हो कि हमें घुमक्कड़ी करने का हमें अधिकार आ जाए या हम उसके अधिकारी हो जाएं, ये आगे बताया जाएगा। किंतु घुमक्कड़ी के लिए चिंताहीन होना आवश्यक है, लेखक कहते हैं। लेकिन घुमक्कड़ी के लिए सबसे पहली आवश्यकता जो है चिंताहीन, कोई चिंता न रखे, और चिंताहीन होने के लिए घुमक्कड़ी भी आवश्यक है। और लेखक कहते हैं कि अगर चिंताहीन होना पहले तो घुमक्कड़ होने के लिए चिंताहीन, यानी कोई चिंता ना रखे, और चिंता ना हो ऐसा होने के लिए भी घुमक्कड़ी आवश्यक है, यानी एक दूसरे की ये पूरक हो गए। दोनों का अन्योन्य आश्रय होना दूषण नहीं भूषण है, अर्थात दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। चिंताहीन होना और घुमक्कड़ी होना एक दूसरे पर निर्भर है, तो इनको एक दूसरे के अगर आश्रित कहेंगे तो ये दूषण नहीं भूषण है, अर्थात ये दुर्गुण नहीं है, एक आभूषण है, एक गुण है। घुमक्कड़ी से बढ़कर सुख कहाँ मिल सकता है, आखिर चिंताहीन तो सुख का सबसे स्पष्ट रूप है, यानी घुमक्कड़ी से बढ़कर सुख कहाँ मिल सकता है, कहीं नहीं। आखिर चिंताहीनता तो सुख का सबसे स्पष्ट रूप है, यानी चिंताहीन जो मनुष्य हो जाएगा वो समझिए सबसे सुख का, चिंताहीनता एक सुख का सबसे स्पष्ट रूप है, अर्थात जो व्यक्ति सबसे सुख पाना चाहता है वो पहले चिंताहीन हो जाए। घुमक्कड़ी में कष्ट भी होते हैं, लेकिन उसे उसी तरह समझिए जैसे भोजन में मिर्च, जैसे भोजन में मिर्च कष्ट देते हुए भी कष्ट नहीं एक स्वाद का प्रतीक होती है, उसी प्रकार से जो घूमने में जो कष्ट होते हैं, थकावट आदि ये थोड़ी बहुत परेशानियां होती हैं, वे ठीक उसी प्रकार से जैसे भोजन में मिर्च। मिर्च में यदि कड़वाहट ना हो तो क्या कोई मिर्च प्रेमी उसमें हाथ भी लगाएगा, यानी मिर्च का स्वभाव, मिर्च अपना स्वभाव छोड़ दे तो मिर्च को फिर कोई पसंद नहीं करे। इसी प्रकार घुमक्कड़ी में अगर थोड़ी बहुत कष्ट ना हो तो फिर घुमक्कड़ी ही मतलब नहीं रखती। वस्तुतः घुमक्कड़ी में कभी कभी होने वाले कड़वे अनुभव उसके रस को और बढ़ा देते हैं, उसी तरह जैसी जैसे काली पृष्ठभूमि में चित्र अधिक खिल उठता है, यानी घुमक्कड़ी में अगर थोड़ा बहुत कड़वा अनुभव हो यानी कोई कष्ट हो तो घुमक्कड़ी का रस आनंद और बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह जैसे काली पृष्ठभूमि अर्थात काली काली जमीन पर कोई चित्र और अधिक खिलता अगर चित्र बनाया जाए तो। आगे देखें, व्यक्ति के लिए घुमक्कड़ी से बढ़कर कोई नगद धर्म नहीं, अर्थात ये सबसे कैश धर्म है जो तुरंत जिसका फायदा मिलता। जाति का भविष्य घुमक्कड़ी पर निर्भर करता है, अर्थात संसारी कोई भी जाति है यदि वो जाति घुमक्कड़ी है तो उसका भविष्य बहुत उज्जवल होगा, यानी वो फैलेगी फिर। इसलिए मैं कहूंगा हर एक तरुण और तरुणी, तरुण माने युवा, तरुणी माने युवती, यानी युवा लड़का और लड़की को घुमक्कड़ व्रत ग्रहण करना चाहिए, इनको घुमक्कड़ होना चाहिए, इन्हें घूमना चाहिए। इसके लिए इसके विरुद्ध दिए जाने वाले सारे प्रमाणों को झूठ और व्यर्थ का समझना चाहिए, और इसके विरुद्ध यानी घूमने के विरुद्ध जितनी भ्रामक धारणाएं होती हैं, भ्रामक प्रमाण होते हैं, वे सब उनको झूठ और व्यर्थ समझना चाहिए। यदि माता पिता विरोध करते हैं तो समझना चाहिए कि वह भी प्रहलाद के माता पिता के नवीन संस्करण है, अर्थात प्रहलाद के माता पिता जिस प्रकार से प्रहलाद की को रोकते थे कि वो वन में ना जाए तपस्या के लिए, ठीक उसी प्रकार से आजकल के माता पिता जो घुमक्कड़ी के लिए रोकते हैं उनको वैसे ही समझें कि वो उनके प्रहलाद के माता पिता का नवीन संस्करण है, यानी नया रूप है। यदि हितु बांधव बाधा उपस्थित करते हैं, यानी जो हित चाहने वाले बांधव भाई लोग हैं वे भी बाधा उपस्थित करते हैं, तो समझिए कि वे दिवांध हैं, यानी उनको दिन में भी दिखाई नहीं देता, दिन के अंधे हैं वो। यदि
धर्माचार कुछ उल्टा सीधा तर्क देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि इन्हीं ढोंगियों ने संसार को कभी सरल और सच्चे पथ पर चलने नहीं दिया। अगर कोई धर्म पर चलने वाला, धर्माचार, धर्म की व्याख्या करने वाला व्यक्ति भी ऐसा कोई तर्क दे कि घूमो नहीं, घुमक्कड़ी ना करो, तो समझो ऐसे ही लोगों ने संसार को सरल और सच्चे पथ पर नहीं चलने दिया, ये ढोंगी लोग हैं। यदि राज्य और राजसी नेता अपनी कानूनी रुकावटें डालते हैं तो हजारों बार के तजुर्बा की हुई बात है कि महानदी के वेग की तरह घुमक्कड़ी की गति को रोकने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। यानी राजनेता और कोई भी नेता या कोई राजसी कानून, गवर्नमेंट का कोई कानून भी इस पर विरोध डालता है या रोक लगाता है तो समझ लो, तो फिर जैसे महानदी का कोई वेग है, बड़ी कोई नदी बहती है, उसके वेग को कोई रोक नहीं सकता, भाई घुमक्कड़ की गति को भी कोई नहीं रोक पाएगा, कोई पैदा ही नहीं हुआ घुमक्कड़ों की गति को रोकने वाला। बड़े बड़े कठोर पहरे वाली राज्य सीमाओं को घुमक्कड़ों ने आंख में धूल झोंक कर पार किया। यानी बड़े बड़े कठोर जो राज्य सीमाएं हैं, यानी जहां बहुत रोक टोक होती राज्यों में एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करने के लिए, तो जो घुमक्कड़ लोग हैं उन्होंने उन सीमाओं को वैसे ही पार कर लिया जैसे आंखों में धूल झोंक के आगे कोई निकल जाता है। मैंने स्वयं एक से अधिक बार किया है, और लेखक कहते हैं ऐसा मैंने बहुत बार किया। पहली तिब्बत यात्रा में अंग्रेजों, नेपाल राज और तिब्बत के सीमा रक्षकों की आंख में धूल झोंक कर जाना पड़ा था। लेखक कहते हैं जब मैंने पहली बार तिब्बत में यात्रा की तो अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकी, नेपाल राज्य की आंखों में धूल झोंकी और तिब्बत के सीमा रक्षक यानी जो गार्ड्स वगैरह थे उनकी भी आंखों में धूल झोंकी अर्थात उनको धोखा देकर मैं आगे बढ़ा। अब लेखक कहते हैं संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि यदि कोई तरुणी तरुण अर्थात युवा और युवती यानी कोई लड़का लड़की लड़की घुमक्कड़ धर्म की दीक्षा लेता है अर्थात घूमने का व्रत लेता है, सोचता है तो मैं अवश्य कहूंगा कि यह दीक्षा वही ले सकता है जिसमें बहुत सारी मात्रा में हर तरह का साहस है। यानी वही घूमने का साहस कर सकता है जिसके अंदर ये साहस हो कि अब कोई भी परेशानी आए हम उसका साहस के साथ सामना करेंगे, तो उसे किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, न माता के आंसू बहने की परवाह करनी चाहिए, न पिता के भय और उदास होने की, यानी ये सब परवाह घर परिवार वालों की ना करें। भूल से विवाह कर लाई अपनी पत्नी के रोने धोने की, और जो भूल से विवाह कर लाई अपनी पत्नी के रोने धोने की भी चिंता नहीं करनी चाहिए, और किसी तरुणी को अभागे पति के कलपने की, और ना किसी तरुणी को अभागे पति के कलपने की चिंता करनी चाहिए। बस शंकराचार्य के शब्दों में यही समझना चाहिए, त्रैगुणीय पथि विचरतः को विधि को निषेध। यानी इसका अर्थ है कि जो तीनों गुणों से परे हो, अब तीन गुण कौन कौन से, सत्व रज तम से रहित व्यक्ति को, परे व्यक्ति को जो इन सबसे ऊपर है जिसमें ये तीनों गुण नहीं है, यानी तीनों गुणों से ऊपर हो गया वह विचरण करता है, उसके लिए ना तो कोई विधि है और ना कोई निषेध है अर्थात कोई नियम नहीं और ना ही कोई रोक टोक है, ऐसा शंकराचार्य ने कहा है। और मेरे गुरु कपोतराज के वचन को अपना पथ प्रदर्शक बनाना चाहिए, और लेखक कहते हैं कि मेरे गुरु कपोतराज ने भी ऐसा कहा है। क्या कहा है, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहां। और लेखक आगे कहते हैं कि सैर कर दुनिया की गाफिल कि हे गाफिल, हे मनुष्य तू सैर कर इस दुनिया की कि जिंदगानी फिर का, पता नहीं फिर जिंदगानी जीवन रहा या नहीं रहा, और जिंदगानी गर रही, गर माने अगर, अगर जिंदगानी भी रही तो फिर नौजवानी फिर कहां यानी जवानी फिर नहीं रहेगी, ऐसा कहा है इस्माइल मेरठी ने। अब आगे लेखक कहते हैं राहुल संकृत्यायन जी, दुनिया में मानुष जन्म एक बार ही होता है और जवानी भी एक ही बार आती है, साहसी मनस्वी तरुण तरुणियों को इस अवसर से हाथ नहीं धोना चाहिए, अर्थात ये जो समय और जीवन है, ये जो जवानी है ये बार बार नहीं आती, इसलिए जो साहसी है, जो घूमने की इच्छा रखते हैं, साहस दिखाते हैं, उनको इस अवसर से हाथ नहीं धोना चाहिए, उन्हें घूमना चाहिए। कमर बांध लो भावी घुमक्कड़ों, और लेखक कहते हैं हे भविष्य के घुमक्कड़ों कमर बांध लो अर्थात तैयार हो जाओ,
संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है, अर्थात बेचैन है। पूरा संसार जहां जहां तुम घूमोगे सब जगह तुम्हारा स्वागत होगा, पूरा संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है, बेचैन है। तो इस तरीके से बड़ा ये सुंदर निबंध है राहुल शंकर त्यायन जी का, जो यहीं समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।